मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं का दल बदल जारी है। बीजेपी के दो नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। सागर के राजकुमार धनोरा और दतिया के अवधेश नायक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी चाहे तो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस में तो हर कोई शामिल होना चाहता है, मैं तो रोज तीन नेता खड़े कर सकता हूं, लेकिन मेरा सिद्धांत है उसके लिए स्थानीय नेताओं की मंजूरी होनी चाहिए। कांग्रेस में सिर्फ भाजपा नेता ही शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि मशहूर शायर राहत इंदौरी की पत्नी अंजुम रहबर भी शामिल हुई हैं। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी के नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि मैं तो रोज तीन नेता खड़े कर सकता हूं, लेकिन मेरा सिद्धांत है कि उसके लिए स्थानीय नेताओं की मंजूरी होनी चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी नेता की तुलना राहुल गांधी से करने पर कहा कि जिस बीजेपी नेता की आप बात कर रहे हैं उनका मामला अलग था, राहुल गांधी का मामला अलग है, राहुल ने कोई जुर्म नहीं किया था। मैंने आपको बता दी हमारा सिद्धांत क्या है। अगर शिवराज सिंह जी शामिल होना चाहें, हमारे लोग मान जाएं, हाँ हमारे लोग इसको स्वीकार करें, उनका भी स्वागत है। देखिए ये बहुत सारे शामिल होने को तैयार है और मैं यही की शर्त करता हूँ कि हमारे स्थानीय नेता जो हैं, वो आपको स्वीकार करें, नहीं तो रोज तीन खड़े कर दूंगा। ये विधायक हो ये हो, मैं तो साफ बात है कि जिन्होंने कांग्रेस से जुड़े रहे, जिन्होंने कांग्रेस का झंडा उठाया इतने साल, उनकी सहमति के बगैर कोई जॉइन नहीं कर सकता। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार प्रदेश में दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसके कई सबूत सामने आए हैं। आदिवासियों पर अत्याचार और अटैक कर सब चीजों का खुलासा हो रहा है। मुझे इस बात का यकीन है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी बातों का खुलासा होने वाला है। नाथ ने कहा शिवराज जितना नाटक कर ले और प्रलोभन दे दे, आम जनता समझ गई है कि चार महीने पहले ही उनको ये सब सूझता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री के विपक्ष पर हमले को लेकर कहा कि पीएम मोदी जो काम कर रहे हैं वो जनता को दिख जाएगा, अगर हम विरोध कर रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई कारण होगा। मणिपुर में आज क्या हो रहा है वो सब तो दिख ही रहा है। ये सब तब हो रहा है जब सेना CISF सब बीजेपी के पास है, सरकार उनकी है, तो सवाल भी उनसे होंगे। जनता को दिख जाएगी, जनता देखेगी इसका क्या लाभ है, अंत में फैसला तो जनता के हाथ में है। अगर हम विरोध कर रहे हैं कोई ना कोई कारण होगा, और उन्होंने क्या कहा मैं नहीं जानता, पर मुझे जो बात कह रही है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कह रही है। आज मणिपुर की बात क्यों नहीं होती, मणिपुर में क्या हो रहा है आज, रोज आपके पास पूरी आर्मी, आपके पास पूरी CRP, आपके पास पूरी CISF, आपकी गवर्नमेंट, आपकी गवर्नर, बचा क्या। कमलनाथ ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराने को लेकर कहा कि मैं मंदिर जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो बीजेपी वालों को क्यों दिक्कत होती है, इनके पेट में दर्द क्यों होता है, इन्होंने क्या धर्म की एजेंसियों का ठेका ले रखा है। बागेश्वर धाम महाराज ने कहा कि मैं छिंदवाड़ा में कार्यक्रम करूंगा, मैंने कहा स्वागत है, उसमें शामिल हुआ, 4 लाख लोग शामिल हुए, इसमें कौन सी राजनीति है, भाजपा इसको राजनीति बनाना चाहती है। 13-14 साल पहले हनुमान मंदिर बनाया, सबने देखा है इनके पेट में क्यों दर्द होता है, मैं मंदिर जाता हूँ बीजेपी के पेट में दर्द होता है, मैं कोई प्रार्थना करता हूँ बीजेपी के पेट में दर्द होता है, क्या इन्होंने एजेंसी दी हुई है, ठेका लिया हुआ है धर्म का, ये बात आज है। हम बागेश्वर महाराज ने कहा कि मैं छिंदवाड़ा में कार्यक्रम करूंगा, मैंने कहा स्वागत है, उसमें मैं शामिल हुआ, 4 लाख लोग शामिल हुए, आपके भी कई साथी वहां पहुंचे थे, पूछिएगा उनसे क्या हुआ क्या था, उसमें कौन सी राजनीति है, बीजेपी इसको राजनीति बनाना चाहती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।